हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल रिचा के ब्लॉग्स में आपका स्वागत करते हैं। मैं और पीहू और पीहू की मामा। सो गाइस, आज हमारी ट्रिप का डे है, लास्ट वन, और आज ही हमारी फ्लाइट है वापस दिल्ली की। 3:30 बजे मेरी आंखें खुलने रही, जस्ट बिकॉज अभी सुबह के 5 बजे और हम लोग 4 बजे के उठे हुए। और लास्ट डे पीहू की थोड़ी सी हो गई तबीयत खराब, पीहू को कल हो गई थी वॉमिटिंग, पता नहीं कैसे हुई, आई डोंट नो, उसको थोड़ी सी नजर लग गई थी। क्योंकि ना हमने कल ऐसा कुछ, ऐसे वो होता नहीं कि आपने पहाड़ियों के अंदर ट्रैवल करना उससे हो जाता है मोशन सिकनेस से, या फिर कुछ आप अनशन खा लेते हो। बक कल इसने ऐसा कुछ भी नहीं खाया, ना हमने ऐसा कुछ गाड़ियों में ट्रैवल किया, और उसको पता नहीं ऐसा लग गई, और लगी थी हमें पता है कहाँ लगी कैसे लगी, तो वो हमें दिमाग में था। और हम लोग सारा बंदोबस्त अपना करके भी लाए थे कि हमें पता है ये चीज़ इसके साथ बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा भी, हाँ, आज यहाँ पे एक्चुअली मैराथन है, तो सारे ही रोड्स ब्लॉक कर देंगे सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक। 12 बजे के बाद भी हम लोग निकलेंगे तो हम लोग 3 बजे तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर इतने घंटे गाड़ियां बंद रहेगी तो ऑब्वियसली ट्रैफिक जाम बहुत भयंकर होने वाला है। और वैसे भी पहाड़ों पे कब ट्रैफिक लग जाए कुछ नहीं पता, एक गाड़ी खराब होती है उसके पीछे सब गाड़ियां रुक जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सब जगह बात किया, यहाँ पे जो लोकल पुलिस है और जो यहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल है उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि सुबह आप 5 बजे निकलिए, 5:15 हो सके तो 5:30 से पहले पहले निकल जाएगी। तो हम लोग 4 बजे उठे और रात भर हम सोए भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ये मैडम, इसकी तबीयत तो ठीक हो गई, इसको वॉमिटिंग बंद हो गई, हमारे पास दवाइयाँ सारी थी, हमने सारी दवाइयाँ साथ में कैरी की, दवाई स्कूल टी भी बंद हो गई, सब कुछ हो गया, बट ये कुछ खा नहीं रही और भूख की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी, रात को बार बार जाग रही थी, हमें डर लग रहा था उसको वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है, बेटा उल्टी आ रही है, नहीं 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 अब, और अभी भी कुछ भी नहीं खा रही है। बेटा खाना खा लो ना, कुछ खा लो, खाली पेट रहोगे तो और दिक्कत होगी। अब 3 घंटे का ट्रैवल और है गाड़ी के अंदर, और अभी वैसे वहाँ पे ऐसे पहाड़ियाँ वाड़ियाँ होंगी तो हो सकता है इसको, अमित को भी दिक्कत है थोड़ी बहुत मोशन सिकनेस की, और पीछे इनको भी है। तो बस अब चलते हैं, निकलते हैं, और आंखें बड़ी लाल हो रही है, नींद बड़ी भयंकर वाली आ रही है। ब्रेकफास्ट हम लोग कर नहीं पाए यहाँ पे, उन्होंने पैक करके दिया लाइक फ्रूट्स एंड ब्रेड इतना ही, क्योंकि सुबह सुबह बेचारे 4 बजे तो क्या ही करके दे सकते हैं ना। तो एनीवेज, हमारा चेकआउट हो चुका है, सामान हमारा जा चुका है, एंड लास्ट हमारा एक बार रूम चेक कर लो। बंदा जा रहा है, बाय। ओके गाइस, अब चलते हैं यार, बहुत नींद आ रही है, बहुत बहुत। जाओ बेटा, शूज पहनो, गो। इतनी रात को निकल रहा हूँ। हाँ, रात को निकलना पड़ेगा बेटा, वरना हमारा आज का प्लान था हम लोग आराम से निकलते 11 बजे, यहाँ पे सुबह का एक और पॉइंट था, वो लोग वो देख देख वेख के घूम के, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं ना, लास्ट में ट्रिप का कबाड़ा हो गया लास्ट डे में, क्योंकि मैराथन का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ये कल ही पता चला, वो भी कैब ड्राइवर ने बताया तब। ओके चलते हैं, बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और 4 दिन इस रूम में निकाले हैं तो बहुत मजा आया हमें, 4 दिन। मैं पीहू से बाय टू दिस रूम, इधर देखो सामने, इधर देखो, इधर 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 देखो ना, चलो कोई नहीं, आप पीछे बैठो, आ जाओ सिट। हाँ, आप आगे बैठो, बैठो बैठो बैठो, घुसो 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 घुसो, घुसो अंदर घुसो। ये देखो मैराथन के लिए रवाना हो गए लोग, फटाफट से निकल जाते हैं वरना सब बंद हो जाए। कल भी है और यहाँ से इतना जल्दी निकलने वाले सिर्फ हम ही नहीं थे, हमारे साथ बहुत सारी गाड़ियाँ थी जिनकी फ्लाइट 3 बजे की थी, लेकिन सबको सुबह 5 बजे ही निकलना पड़ा, जस्ट बिकॉज भाई ये कि पूरा ट्रैफिक हो जाता, रास्ते पूरे बंद हो जाते, और आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां निकली, और सारे ही लोग हमको वापस वहां पे एयरपोर्ट पे भी मिले थे, उन्होंने हमारे साथ ही वेट किया इतने घंटे।
गाइस फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आपको मैं टाइम बताऊं सिर्फ 7:30 हुए हैं और हम 2 घंटे में ही यहाँ पे पहुंच गए क्योंकि सुबह सुबह रोडें ज़्यादा ही खाली थी, कुछ ज़्यादा ही खाली थी, नॉर्मल जो क्या बोलते हैं ट्रैफिक होता है उससे भी बहुत ज़्यादा कम था, तो फटाफट से पहुंच गए। और एयरपोर्ट के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि जो सुबह के फ्लाइट वाले लोग थे वो तो थे ही, लेकिन जो दोपहर की और जो इवनिंग की 4-4 बजे तक की फ्लाइट वाले लोग थे वो भी ऑलरेडी सारे लोग आ चुके थे और हम लोग थैंकफुली थोड़ा सा जल्दी अगर हमें बैठने के लिए जगह मिल गई, बाकी सारे लोग फ्लोर पे बैठे थे, आंगन पे बैठे थे इतने घंटों तक। हाय गाइस, सो हम लोग अभी बैठे हैं एयरपोर्ट पे, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, अभी बहुत टाइम बाकी है, 7:30 हम लोग पहुँच चुके थे और होटल से हमें ब्रेकफास्ट पैक करके दे दिया, तो हमने ऑन द वे गाड़ी में खा लिया और अब हमने बर्गर ऑर्डर किया है व्यू के लिए। मैंने तो स्टार्ट भी कर दिया खाना, चलो मैं डाल दूँ। फाइनली बजे हैं 1, तो अब हम लोग थोड़ा सा स्कैनिंग करवा लेते हैं, बैग वेब चेक इन तो हमने ऑलरेडी कर ली है और उसके बाद चलते हैं ऊपर, प्लस लगेज फ्री हो जाएंगे, सिर्फ हैंड बैगेज रहेगा पास में ये इतना ओनली, तो बस इजी रहेगा थोड़ा बहुत। सो गाइस, अब हम निकल चुके प्लेन के लिए और प्लेन में जाने के लिए हमने 3 मिनट के, वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा हम पूरे चेंज कर रहे हैं अपने कपड़े, बस इन लोगों ने तो पड़े नहीं तो हमारे ये मास्टर साहब तो अभी के लिए आप मिल सकते हो इससे है बोल मजाक कर रहा है, बोलता नहीं है, मैं बोल रहा था। तो बस अभी के लिए अभी धर्म प्लेन में वहाँ से बताऊँगा फिर बाय। लो अभी तो पापा वगैरह भी गए, वैसे मेरे से थोड़े से स्क्रीन हिल गई थी क्योंकि मैं काम में था ना, तो पीछे हमारी लोग खड़े, मम्मा हाय बोलो। तो एक और मेहमान से मिल सकते हो और अभी के लिए हम आए थे एयरपोर्ट पे, पता है ये बहुत सन्नाटा होता है तो हम बड़ी मुश्किल से हुए हैं, तो इसलिए मैं ऐसे बोलता रहता हूँ। तो फिर ऐसे के लिए अभी मैं बैठा हूँ कुर्सी वर्सी पे, हाँ सर अभी हम गए थे ऊपर चॉकलेट लेने लेकिन नहीं मिली और मुझे पिज्जा खाना है ना, ये मेरे पास है। ये था मेरा मिनी ब्लॉग एंड बाय। सर फूटा क्या दिक्कत है, खाओगे? दिक्कत नहीं, दिख रही
फाइव नंबर हमारा किस पे है, टू नंबर पे हमारा सामान आएगा, किस पे आएगा, टू नंबर पे, ये कितना लिखा हुआ, 5 4 3 2 1, ओके। सो गाइज हमारा लगेज आया है टू नंबर बेल्ट पे, कोई ले ना जाए, बस हम थोड़ा लेट हो गए, वॉशरूम वगैरह चले गए थे, पीहू और वो आ रहे हैं, मैं सामान उतार लूं। बैग नंबर वन, आप बीच में आ रहे हो, अपने बैग भी लास्ट में आया है, सो गाइज हमने लैंड कर लिया है फाइनली दिल्ली, अपने घर पहुंचने वाले हैं और सामान वामान ले लिया, लगेज ले लिया, कैब हमने बुक कर ली और हम लोग जैसे ही दिल्ली में एंटर हुए, भाई साहब क्या मार्केट चमक रहा है ना, आप खुद देखिए हर जगह लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग, इतना सुंदर लग रहा था मार्केट, इतना ज़्यादा सुंदर, सब कुछ चमका रखा था, इतनी बढ़िया लाइटिंग कर रखी थी। और हमें अब यहाँ से एयरपोर्ट से फ्लैट में पहुँचने में पूरे के पूरे 2 घंटे लग गए, हालांकि इतना नहीं लगता है, लेकिन वही कि शाम का समय था, ऑफिस आ रहा था, ऑफिस से सब लोग निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है शाम के समय, और दिल्ली वैसे भी फेमस है इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ट्रैफिक, पोल्यूशन, ठंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ही होती है। और बस घर पहुंचने के बाद मैंने रास्ते में अपनी एक फ्रेंड को कॉल कर लिया था, उसने हमारे लिए डिनर तैयार कर लिया था, तो घर जाते ही फ्रेश अप होते ही हम लोग गए उसके घर पे डिनर करने के लिए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी भैया बिल्कुल भी घर जाके खाना बनाने की, तो और बस डिनर करके हम लोग आराम से सोए, रेस्ट किया, और बस यही था हमारा छोटा सा ट्रिप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना गाइस। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, गाइस फाइनली हम घर आ गए, और सबसे ज्यादा खुश है हमारा पीहू। आप ला रहे हो ना यार, मैं और पीहू तो सोएंगे, अब सोएंगे नहीं, पिटाई करेंगे पापा के